मध्य प्रदेश के खंडवा नगर में अवैध संबंध के चक्कर में एक महिला कातिल बन गई। जैसा बड़े बुजुर्गों ने अपने अनुभव से कहा है कि इंसान प्यार में अंधा हो जाता है और वो उसे हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। ऐसा ही एक ताजा मामला खंडवा में भी देखने को मिला। यहाँ रामनगर पुलिस चौकी क्षेत्र की चीरा खदान स्थित बनी मल्टी में एक महिला ने अपने प्रेमी जीजा के साथ मिलकर अपने ही पति की हत्या को अंजाम दे दिया। कारण केवल इतना था कि पति अपनी पत्नी के अवैध संबंधों को लेकर रोक टोक करता था। इसी को लेकर पत्नी ने अपने पति को मौत के घाट उतार दिया। जब मृतक की पत्नी और उसका प्रेमी जीजा पुलिस की गिरफ्त में आए तो पुलिस पूछताछ में उन्होंने अपने इस घिनौने करतूत के सारे राज खोल दिए। मृतक की पत्नी ने बताया कि उसने अपने प्रेमी जीजा के साथ मिलकर पहले अपने पति की गला दबाकर हत्या करी, बाद में सर पर सिलपट्टा मार दिया और फिर बाद में ब्लेड से हाथों की नसें काट दी। जी हम बात कर रहे हैं गत दिन रामनगर चौकी जो सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत आती है उसके अंतर्गत आने वाले चीरा खदान मल्टी के पास तालाब में एक युवक की लाश मिली थी। युवक का नाम संजू उर्फ संजय बावने बताया गया था। मामले को संज्ञान में लेते हुए पुलिस अधीक्षक विवेक से टीम गठित कर FSL की टीम जांच में रवाना कर हत्या गुत्थी सुलझाने पहुंची। टीम द्वारा हत्या के कई बिंदुओं पर जांच की गई। मुखबिर की सूचना पर महिला पुलिस ने पत्नी शबाना से पूछताछ की गई। पुलिस के सवालों में ऐसी उलझी कि पूरा मामला पुलिस को उगल दिया। रामनगर चौकी है, वहाँ पर चीरा खदान मल्टी क्षेत्र में पीछे पानी का कुछ भरा हुआ तालाब का क्षेत्र है, वहाँ पर एक व्यक्ति का मृत शरीर मिला। उसको आइडेंटिफाई करने पर वह संजू बाबने उम्र 30 साल का नाम व्यक्ति ज्ञात हुआ और प्रथम दृष्टया यह हत्या का जो मामला इसे प्रतीत हुआ, जिस पर थाना कोतवाली पर धारा 302 का अपराध पंजीबद्ध किया गया। इस पूरे मामले में थाना कोतवाली की टीम, फॉरेंसिक की टीम, चौकी रामनगर की टीम ने लगातार पड़ताल करती रही और कुछ सस्पेक्टेड लोगों को उस घटनास्थल से और उस क्षेत्र से उठाया। लगातार पूछताछ पर यह तथ्य सामने आया कि उसकी जो हत्या की गई है उसके साथ जो रह रही 8 महीने से उसकी पत्नी शबाना और उसी का जो जीजा है जिसका नाम हकीम है, उम्र 45 वर्ष, उन दोनों ने मिलकर इसकी हत्या करी है। हत्या में इन्होंने जो 15 नंबर का जो ब्लॉक है मल्टी का, वहाँ पर अपने ही घर के अंदर इसको पहले जो मसाला पीसने का पत्थर होता है सिर पे उससे वार किया, उसको कई बार मल्टीपल वार किए। उसके बाद जो ब्लेड होती है उसको भी उससे कटिंग करी, उनके हाथ उसके हाथ पे और गले पे भी उसके वार के निशान परीक्षा साथ उसके मल्टीपल राउंड्स हैं उसके भी। इसके साथ साथ उसका गला भी दबाया और छाती में भी उसको वार किया। स्ट्रेंगुलेशन जो तकिया का भी यूज़ किया उसने, उस पर उसको उसकी सांस रोक के उसकी हत्या कार्य की गई। इसके बाद ये दोनों आरोपी फरार हो गए थे, जिस पर थाना कोतवाली की टीम ने तत्परता से इनको पकड़ा, अरेस्ट किया और अब अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। खंडवा से राम पवार नायक की ये रिपोर्ट।